हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स में बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप में, टाइप वन है जिसमें कि हम डिविडेंड के साथ चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट हम देखते हैं रिमाइंडर पे क्या आएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल है, आप जो भी चेंज करेंगे डिविडेंड में सेम वो रिफ्लेक्ट होता है रिमाइंडर में। जैसे एग्जाम्पल, सपोज आप 23 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 3 या 21, और रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगर हम इस 23 में 1 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारा 1 बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर 1 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर भी 1 माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बट इट कैन नॉट से सेम थिंग अबाउट द डिवीजन एज वेल, ठीक है। तो ये एडिशन, सब्स्ट्रक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में ये वर्क करेगा, ठीक है। चल, तो ये हमारे टाइप वन के क्वेश्चन हैं जिसमें हम जो भी डिविडेंड के साथ करेंगे सेम आपका रिफ्लेक्ट होगा रिमाइंडर में भी, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक 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 एस्पेक्ट इसका और देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या रिमाइंडर 2 × 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हो गया, ये जो आपका रिमाइंडर आया है ये डिविजर से ज्यादा बड़ा हो गया है, तो आप फर्दर डिवाइड करेंगे 8 को 7 से तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर आपका रिमाइंडर जो है वो डिविजर से ज्यादा हो जाए तो फर्दर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 92 हो जाएगा अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91 एंड रिमाइंडर इज 1। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मैंने अर्लियर भी एक सेशन में डिस्कस किया था। तो डिवीजन के बेसिकली दो मीनिंग है। जैसे ये पिज्जा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज द वन टाइप ऑफ डिवीजन। इस डिवीजन में हम 4 पार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा रिमाइंडर नहीं निकालते, इसको हम डेसिमल में डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम रिमाइंडर निकालते हैं तब उसका मतलब होता है रिपीटेटिव सब्स्ट्रक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल, हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 = 21 एंड रिमाइंडर इज 2। इसका मतलब है कि हमने इस 23 में से इस 7 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है एंड देन हमारा रिमाइंडर 2 आया है। इसलिए जब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर हमारा 8 हो गया। हमने इसमें से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। 1 more time डिवाइड होने का मतलब, क्योंकि देखो जब हम डिवाइड करते हैं तो आप देखा होगा हम उसको नॉर्मल मेथड में सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो ये हमें एक बात बस ध्यान रखनी, दो चीजें ध्यान रखनी है टाइप वन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो व्हेन एन इज डिवाइड बाय 23 इट लीव्स रिमाइंडर 7। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। अब देखो हमने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वील गेट रिमाइंडर 14। इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इज डिवाइड बाई 17 रिमाइंडर इज 9। व्हेन 3n इज डिवाइड बाई 17 रिमाइंडर इज, फाइंड करना है। तो अब देखिए अगर n की जगह पे 3n हो जाएगा तो रिमाइंडर में भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 27। बट देखिए अब हमारा जो डिवीजर है उससे ज्यादा रिमाइंडर हो गया तो फर्दर डिवाइड कर देंगे, मींस इसको हम फर्दर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट आर फाइनल रिमाइंडर 10, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर ध्यान देना होगा कि अगर हमारा डिवीजर रिमाइंडर से बड़ा है तो उसको फर्दर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक नंबर है एन, इसको जब हम पी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें मिल रहा है 28। अब अगर 2n को पी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए हमें, 56 मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। कितना रिमाइंडर मिल रहा है हमें, 13 मिल रहा है। और ऐसा क्यों हुआ होगा,
डेफिनेट है, ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो हमारा रिमाइंडर आया है वो डिवीजर से ज्यादा बड़ा हो गया होगा, इसलिए हमने उसमें से डिवीजर सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा एंड वी गॉट अ न्यू रिमाइंडर. सो पी इक्वल्स टू 56 माइनस 13 विच इज 43. जो हमारा प्राइम नंबर है, सॉरी जो हमारा डिवीजर है पी, दैट वॉज 40. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम. सेम टाइप का क्वेश्चन है, 27 है, 3n को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आ रहा है. तो 3 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब है नया रिमाइंडर भी हमारा 27 × 3 81 हो जाना चाहिए, लेकिन 81 है नहीं. तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस p 12 हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू 69 हो जाएगा. ठीक है, चल अब यहाँ पर एक और जो है हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले, कि हमने यहाँ पर p माइनस किया, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बार माइनस हो जाए. ठीक, तो अब अगर हम नंबर n को p से डिवाइड कर रहे हैं तो सपोज रिमाइंडर r आ रहा है, और हमें पता है डेफिनेटली ये जो p है ये r से बड़ा है. ठीक, लेकिन जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2r. अब 2r p से बड़ा हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, और पी से छोटा भी हो सकता है. अगर बड़ा हो गया तो हम इसमें से एक बार पी माइनस कर देंगे, लेकिन पी हम एक ही बार माइनस करेंगे क्योंकि 2 बार तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 पी से तो डेफिनेटली छोटा होगा. ठीक, लेकिन अगर मैं 3 आर कर रहा हूं तो क्या हो सकता है, तो 3 आर पी से बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और 2 पी से भी बड़ा हो सकता है, बट 3 पी से डेफिनेटली छोटा होगा. तो इसमें क्या हो सकता है, एक बार पी भी माइनस हो सकता है और 2 बार पी भी माइनस हो सकता है. मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने 81 माइनस p किया था, ये 81 माइनस 2 p भी हो सकता था, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है इस केस में क्योंकि यहां पर हमारा p इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी. ठीक है, चल देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. When n is divided by p, it leaves remainder 31. ठीक है, अब जब 3n को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 31 × 3 विच इज 91, बट रिमाइंडर दिया है 11. तो अब क्या होगा, या तो माइनस पी करने पर 11 आ रहा होगा, या फिर -2p करने पर 11 आ रहा होगा. 3p नहीं कर सकते क्योंकि ये n को 3 टाइम्स किया तो रिमाइंडर सिर्फ 3 टाइम्स हुआ है. ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा. तो पी की वैल्यू या तो 80 हो जाएगी, या फिर पी की वैल्यू यहां से 40 हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपको डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, आपको देखना पड़ेगा कि हमें माइनस पी करना है. अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो -p -2p और -3p तीन तीन पॉसिबिलिटी बन जाएंगी. अब उसमें से जिसमें भी आपका इंटीजर आंसर आ रहा होगा, दे आर द वैलिड आंसर्स. तो इस क्वेश्चन के हमारे 2 वैलिड आंसर्स थे. Got it? So this is what the type 1 questions on based on remainder. अब हम बात करते हैं type 2 questions की. चलिए, तो here we are having another type of question जहां पर हमको number power के form में दिया होता है और उसको हमें divide करके remainder बनाना होता है. ठीक है, तो इसको solve करने के लिए जो हम basic logic use करते हैं वो binomial theorem use करते हैं, बट हालांकि हमें यहाँ binomial theorem सीखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर हम दूसरा एक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं उस binomial theorem की जगह पर, कि जिस चीज की हमें जरूरत ना हो, मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे रिमाइंडर, तो जो नंबर रिमाइंडर नहीं दे रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे. वेरी सिंपल लॉजिक. तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है मैं बताता हूँ. देखो ये 12 की पावर 23 है, तो क्या हम इस 12 को 11 + 1 की पावर 23 लिख सकते हैं? ठीक है, तो अगर 11 + 1 की पावर 23 लिख रहे हैं, डिवाइड बाय 11. अब देखिए यहां पर ये 11 रिमाइंडर तो नहीं देगा, और हमने पता है जो रिमाइंडर नहीं देगा उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है. तो अब बचेगा क्या, 1 raised to the power 23 डिवाइड बाई 11. तो 1 to the power 23 बिकम्स 1, व्हेन विल डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर विल अगेन बी 1. सिंपल, बस सिर्फ यही करना है हमें इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, अब इसमें आपको 2 स्पेसिफिक इनपुट बताना चाहूंगा. एक तो ये कि आपका क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब किसी तरीके से 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा आप और किसी नंबर की बड़ी पावर नहीं निकाल सकते हो. ठीक है, तो 1 लाना ही होगा. ठीक है, ये पहला इनपुट.
और दूसरा ये कि इट डज नॉट मीन कि आपका आंसर हमेशा वन होगा, योर आंसर कैन बी चेंज, है ना, वो क्वेश्चन के डेटा के साथ चेंज हो जाएगा। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 132 रेस्ड बाई 232 एंड डिवाइडेड बाई 19, तो क्या हम इसको 132 को हम 133-1 लिख सकते हैं? हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि 133 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर नहीं देता है। रिमाइंडर नहीं देता है तो उसको रखने की जरूरत नहीं है, बचेगा -1 की पावर 232। अब देखो 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 है, लेकिन माइनस साइन है, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। अगेन आंसर इज 1। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है, लेकिन यस 1 के बगैर कभी भी सॉल्व नहीं होगा। चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है 161 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 18। हमको हमेशा +-1 के फॉर्म में देखना पड़ेगा। हाँ, इसके आगे कुछ और भी आएंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 162-1 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 18। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 162 18 9 162, तो दिस इज यूजलेस क्योंकि इट वोंट गिव अस रिमाइंडर। -1 टू द पावर 23 इट बिकम्स -1 डिवाइडेड बाई 18। अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, -1। ठीक है, हमने पहले भी देखा है कि जब भी हमारे पास रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसमें हम डिवीजर ऐड कर देते हैं टू मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव कब आया होगा, अभी हमने देखा था। रिमाइंडर मींस होता है रिपीटेटिव सबस्ट्रक्शन, तो जब आपने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा तभी नेगेटिव आया होगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उस सबस्ट्रक्शन के इफेक्ट को हटाने का मतलब उसमें हम प्लस कर देते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। यस, अब आप यहां देख सकते हैं कि 3 की को हमें डिवाइड करना है और 28 है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 को 28 से प्लस या -1 तो आ ही नहीं सकता। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस 3 की कोई पावर देखनी होती है जो 28 या उसके कोई मल्टीपल से +-1 हो जाए, क्योंकि जब तक 1 नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमने अभी देख। ठीक, तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 3 27, जो कि 28 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर देता है। क्लियर, तो हम क्या कर सकते हैं, अब 3 की पावर 3 चाहिए, हमारे पास पावर है 116, हम 116 को 3 से डिवाइड करते हैं, 38 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 114 और रिमाइंडर 2। तो हम इस 3 की पावर 116 को 3 की पावर 3 × 38 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये +2 वाली जो पावर है ये क्या हो जाएगा, अलग, इसको अलग ब्रेक करके रख लेते हैं, ये हो गया अलग। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 27, ठीक है, टू द पावर 38 इंटू 3 की पावर 2 मीन्स 9, इसको डिवाइड करना है 28 से। ठीक है, प्रोसेस सभी को समझ आ गया। हमको 3 की पावर 3 चाहिए थी, इसलिए हमने 3 के मल्टीपल के फॉर्म में पावर को ब्रेक कर लिया और जो रिमाइंडर है उसको हमने सेपरेट कर लिया अलग से ऐसे। अभी 27 को हम 28 - 1 टू द पावर 38 डिवाइड बाई 28, ये हट जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 9 का। -1 टू द पावर इवन इज +1, +1 × 9 = 9 डिवाइड बाई 28, तो हमारा रिमाइंडर आ गया कितना, 9। आई होप प्रोसेस सभी को समझ आ गया, हमें सिर्फ पावर देखनी है जिससे रिमाइंडर +1 या -1 आ जाए, दैट्स ऑल डन। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। 3 to the power 167 डिवाइडेड बाई 41। अब आप 3 की पावर देखो जिसको 41 से डिवाइड करने पर +1 या -1 आपके पास आ जाए, तो 3 की पावर 1 से नहीं आएगा, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, देखो मिल गया हमें। तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, 3 की पावर 4 के फॉर्म में चाहिए पड़ेगी,
हम इस 167 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3। हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 41 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 41। इसको फर्दर इस 3 को हम अलग करके मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बस अब ये वाला पार्ट जो है 3 की पावर 4 जो है ये 81 हो जाएगा, इसकी ऊपर पावर 41 डिवाइडेड बाय 41, और 3 की पावर 3 मतलब 27, ये मल्टीप्लाइड में ही लिखा है। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 81 को क्या कर सकते हैं हम, 82 माइनस 1 टू द पावर 41 इंटू 27 डिवाइड बाई 41, ये हट गया। माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 27 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम्स माइनस 27। अब इस माइनस 27 को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, इसमें हम डिविजर ऐड करना पड़ेगा विच इज 41, फाइनल हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 14 एंड इट इज डन हियर। ठीक, तो हमें छोटा अगर नंबर होता है तो उसी कोई पावर देखनी होती है जिसको हम प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लाना होता है। जब तक प्लस माइनस 1 नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 2 टू द पावर 163 डिवाइडेड बाय 51, अभी बस पावर ही ढूंढनी पड़ेगी आपको। देखिए 2 की पावर 8 होता है 256, जिसको 51 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब पावर को हम कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 8 इंटू 20 इंटू 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 51, ये हो जाएगा हमारा 256। अब इस 2 टू द पावर 8 को हम लिख लेंगे 256 टू द पावर 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 51, और इसको हम लिख सकते हैं 255 प्लस 1 टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 ओवर 51। ठीक है, अब देखिए 255 51 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है इसलिए इसको हटा देंगे, 1 टू द पावर 20 विल बिकम्स 1, फर्दर वी हैव 8 ओनली, सो आंसर विल बी 8। ठीक, 53 टू द पावर 87 डिवाइडेड बाई 43। ठीक, अभी हमें ये पता है 53 को हम 43 प्लस 10 लिख लेंगे तो ये सिंपली 10 टू द पावर 87 डिवाइडेड बाई 43 हो जाएगा। ठीक, अभी ऑब्वियस सी बात है 10 की अगर हम पावर देखेंगे 100,000 तो ये बहुत बड़ा होता जाएगा और यहां पर रिमाइंडर निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट लॉजिक है और ये बेसिकली प्राइम नंबर के लिए है। तो ये 43 इज अ प्राइम नंबर, अगर 43 प्राइम है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बेसिक रूल होता है प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है और वो कहती है ए टू द पावर पी माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय पी इट लीव्स रिमाइंडर 1। यहाँ पे एक कोई भी एक नंबर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम अगर वो प्राइम नंबर का मल्टीपल ना हो, बस दैट इज द ओनली कंडीशन। ठीक है, ये जो पावर है हमारी 87 इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 42 से, क्योंकि P है 43 तो 43 माइनस 1 42 से डिवाइड कर देंगे हम, तो बचेगा कितना रिमाइंडर 3। तो हमारे पास नंबर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, हमें जो रिमाइंडर है पावर बचेगी सिर्फ वही जरूरत है बस डिवाइड बाई 43। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 3 हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 43, हम डिवाइड कर लेते हैं 1000 को 43 से, 2 टाइम्स आएगा 86 बचेगा 140, 3 टाइम्स होगा 129, रिमाइंडर बचेगा फाइनली 11। सो हियर वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू हियर, कि अगर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर में प्राइम है तो हम प्राइम की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।